तो फ्रेंड्स, मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में आया था, तो वहाँ ये मेरे साथ सीआरसी साहब थे, जोशी साहब करके सीआरसी में, तो एक्चुअली उसका सम्मान यहाँ पे हो रहा है, देखिए आप। वेरी गुड, कृष्ण ना चरण पखाड़ा तो, वाह वाह, वेरी गुड, मोतीड़े जो पूरा है, मोतीड़े चो पूरा है, सरस, गंगा जमुना ना नीर मंगाए, गंगा जमुना ना नीर मंगाए, सरस, वाह वाह, आसो पालो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये स्कूल के अंदर आया था, वहाँ बच्चे को खाने के लिए, देखिए दोपहर को मिल सकता है, तो सभी लोग इधर ये देख खाने के लिए, और शिक्षक भी खाने के लिए आज आ जाते हैं, इधर खाने का रखा है इसीलिए। और मैं क्या क्या बनाया है हर रोज़ का मेनू आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दाल ढोकली और चना है, देखिए आप देख सकते हो, हर रोज़ का मेनू डिफरेंट रहता है, लेकिन आज का मेनू ये है। तो फ्रेंड्स, मैं द्वारका के अंदर 2 दिन से हूँ, लेकिन बारिश इतनी हो रही है ना, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसीलिए मैं सारे स्कूल का वीडियो डाल रहा हूँ। ये जोशी साहब है ना, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उसके साथ मैं सारे गवर्नमेंट की स्कूलें बच्चे को पढ़ रहे वहाँ देखने जा रहा हूँ, और उसके साथ मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो आपको ये फ़ोटो के साथ में भी डाल सकता, क्योंकि उसका इलाका बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा स्कूल नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जितनी हो सकती इतनी स्कूल में फ़ोटो वोटो सब खींच के मैंने ये सब डाला है इसके अंदर। ये सारे बच्चे देखिए फ्रेंड्स, तो आज थोड़ी बारिश कम हुई है, तो मैं द्वारका बीच पे आ गया हूँ, फिर भी बारिश थी, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग आवाज़ की डमी रिकॉर्डिंग किया है, मीन्स के मैंने पहले वीडियो बना दिया, बाद में द्वारका बीच का रिकॉर्डिंग में ऐड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सारा वहाँ से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए जगह भी नहीं है, और सारे बंद है, देख सकते हो पूरी छुट्टी है, और रास्ते भी 3-4 रास्ते भी बंद हो गए है, तो ये पूरा द्वारका बीच है देखिए। तो ऐसे घूमते घूमते मैं यहाँ आ गया, तो मंदिर का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना, फिर से पक्का बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं गोपी गाँव में आ गया हूँ द्वारका के अंदर, वहाँ पर गोपी तालाब है, तो वहाँ आया ना, तो मोर इतने देखने को मिले ना, तो उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मोर भी आप देख सकते हो। तो ये गोपी तालाब के आसपास में ऐसी ग्रीनरी है पूरी है, तो मैं अभी तालाब का व्यू आपको पूरा दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो आप तालाब, पूरा गोपी तालाब, अगल बगल में सब जगह पे नमक वाला है, लेकिन फिर भी ये तालाब मीठा है, और ये सारे मंदिर है, ये गोपी तालाब के मंदिर है, गोपी तालाब का राधे कृष्ण जी है। आप तो नहीं, मैंने तो दर्शन कर लिया है, आप भी कर लीजिए वीडियो के अंदर, यहाँ नहीं आ सकते हो तो वीडियो के अंदर भी दर्शन कर सकते हो, यह महादेव का मंदिर है वहाँ पे। ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गया है अभी, तो अभी इधर रुक रहा हूँ। तो द्वारका के अंदर मैं इतना ज़्यादा व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बारिश इतनी हो रही है ना, 3 दिन से मैं परेशान हूँ, तो बारिश जैसे ख़त्म हो जाएगी ना, मैं फिर से आने वाला हूँ द्वारका, तो ये देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, मैं ओखा आया था, द्वारका आया था, द्वारका से वो बेट द्वारका जा रहा था, तो ओखा के बीच में इतना बारिश हो गई ना, तो 4 दिन से इधर ही रुक रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो होटल, उसके घर पे ही रुक रहा हूँ एक्चुअली, और फ्रेंड के रिलेटिव है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू उसकी होटल का। फ्रेंड, मुझे मीठापुर के अंदर पूरा सपोर्ट है यहाँ से मिला था देखिए, और पूरा मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको ये पूरे स्टोर का। तो फ्रेंड, ये जय अम्बे स्टोर है देखिए, जय अम्बे स्टोर, तो अंदर ले जा रहा हूँ। ये चाय बनाते ऐसी मीठापुर में आपको कभी भी चाय किधर भी नहीं मिलेगी, आप एक बार इधर आके टेस्ट कीजिए ये चाय का, ये देखिए पूरा, और ये अंदर का व्यू है पूरा, और मैं अंदर भी ले जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको पूरा। तो फ्रेंड, मैं शॉप का बोल रहा था, ये जय अम्बे शॉप है देखिए, ये उसके ओनर है, दोनों भाई यहाँ बैठते हैं, और इसको ओखा के मीठापुर के अंदर दूध की फ्रेंचाइजी है, वो माही दूध की फ्रेंचाइजी उसके पास ही है, पूरी शॉप है देखिए उसकी, ये पूरी शॉप है,
और शॉप के अंदर ये चाय भी बनाते हैं, और मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको ये शॉप के अंदर जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा था ना, नई चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरे वर्ल्ड की करेंसी है और इंडिया की अब तक की ऑल ओवर करेंसी पड़ी इधर रखी है, ऑल ओवर पुरानी से पुरानी नोटें आपको इंडिया की मिल जाएगी करेंसी की। देखिए ये पूरा काउंटर में रखी है, सामने की साइड भी है लेकिन अभी काउंटर है ना इसीलिए नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे मैसेज भी कर दीजिए, तो इधर से आपको करेंसी भी मिल जाएगी, जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आज हम मीठापुर के अंदर टाटा कॉलोनी देखने आए थे, जहाँ पे टाटा के कर्मचारी रहते हैं ना वो सब जगह देखी है पूरी, तो अंदर नहीं जाने देते बाहर के लोग को, तो मैं बाहर से ही पूरा दिखाता हूँ और देखता हूँ कुछ अंदर जाने देंगे तो मैं क्लब व्लब वो सब दिखाऊँगा आपको अंदर जाके। तो अभी फ्रेंड्स मैं टाटा मीठापुर के अंदर टाटा वाले की जो सोलर पैनल है ना वहाँ पर आया हूँ, तो ये देख सकते हो जा कितनी जगह है ना वो मुझे भी पता नहीं है, बहुत ज़्यादा जहाँ नज़र जाती है ना वहाँ यही है। ये टाटा वाले का क्लब हाउस है, तो अभी रिनोवेशन हो रहा है तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो बाहर से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए शाम होते ही फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, कितनी फास आ रही है, इसलिए मेरे को द्वारका में बहुत दिक्कत आई है, ये देख सकते हो बारिश भी आप। फ्रेंड्स तो मुझे पोरबंदर तक लिफ्ट मिल गई है, ये भाई ने दी लिफ्ट, देखिए। फ्रेंड मुझे जामनगर जाना था द्वारका से, तो वहाँ आइलैंड बंद है इसीलिए मैं द्वारका से पोरबंदर जा रहा हूँ, तो ये भाई ने मुझे लिफ्ट दी है, देखिए। फिर से मैं पूरा वीडियो उसका दिखाऊंगा आपको, कैसी गाड़ी है क्या चीज़ है। तो एक्चुअली द्वारका के अंदर मुझे सपोर्ट बहुत मिला है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बना पाया, इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो द्वारका और जामनगर फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ आइसलैंड है ना वो मैं आपको दिखाऊँ ना, पूरा पानी में ही जाना पड़ता है, इसीलिए बारिश की वजह से वहाँ पे 3-4 महीने बंद है, इसीलिए मैं अभी कागवड़ जा रहा हूँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता पूरा, ये देखिए पूरा रास्ता है, पूरा नया ही बनाया है इसीलिए सब अच्छा है रास्ता, ये देख सकते हो आप पूरा रास्ता। तो अभी मैं कागवड़ जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा पूरा व्यू। तो फ्रेंड्स मैं अभी जयपुर पहुँच गया हूँ, तो अभी मैं जो मुझे लिफ्ट मिली है ना वो आप सोचोगे नहीं, ऐसी गाड़ी है उसके अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की पूरी गाड़ी है, इसीलिए वो जहाँ भी देखो वहाँ ऑक्सीजन ही मिलता रहता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये जयपुर का नज़ारा पूरा। तो फ्रेंड्स ये आगे बोर्ड लगाया हुआ है ना वो इमरजेंसी ऑक्सीजन का बोर्ड है, तो ये गाड़ी कोई टच नहीं कर सकता है, पुलिस। तो मैंने अभी टोल प्लाजा पे सभी जगह पे देखी तो सेपरेट जगह मिलती है इसके टोल प्लाजा के लिए, और ये जयपुर का नज़ारा है पूरा, ये पूरा जयपुर है देखिए, ये पादर वन नदी है, ये राजकोट के अंदर पादर वन नदी आती है जयपुर में वो है, ये पूरा जयपुर देख सकते हो आप।